प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम सर में। दोस्तों, आज आप ही की फरमाइश पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं खेलों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली आपके अपने मनपसंद और भरोसेमंद चैनल एग्जाम सर पर। तो दोस्तों, समय खराब न करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बुलजाई का संबंध किस खेल से है? बुलजाई, तो जिन बच्चों ने सांड की आंख फिल्म देखी है तो उनको मालूम है कि बुलजाई का संबंध है शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रिबलिंग शब्द का संबंध किस खेल से है? ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग किस में की जाती है प्यारे दोस्तों? चार ऑप्शन फिर से आपके सामने और बताइए। तो दोस्तों, ड्रिबलिंग है बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 3, बेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? बेस्ट स्ट्रोक, तो दोस्तों बेस्ट स्ट्रोक है स्विमिंग। क्वेश्चन नंबर 4, चेकमेट, बहुत सारे बच्चों को पता होगा चेकमेट किस में होता है, चेकमेट का संबंध किस खेल से है? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर है शतरंज। देखिए, आप भी की फरमाइश पर, आप भी के लिए जैसा आप मांगते हैं वैसे हम आपके लिए ट्रिक्स है चाहे क्वेश्चन है वो ला करके देते हैं। तो आप प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, आपके जितने ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिए, आप फेसबुक पे कर दीजिए, जहां भी आपको सुविधाजनक लगता है वहां पे प्लीज शेयर जरूर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, चाइनामैन शब्द का संबंध किस खेल से है? चाइनामैन, ये इंपॉर्टेंट है चाइनामैन। अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं प्यारे दोस्तों कि जो हमारे कुलदीप यादव है इंडियन क्रिकेटर, वो चाइनामैन कहलाते हैं। तो चाइनामैन एक स्पेशल बॉलिंग एक्शन है जो क्रिकेट के अंदर आमतौर पर शब्द इसका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, बंकर शब्द का संबंध किस खेल से है? बंकर, तो देखिए बंकर इनमें से क्या होना चाहिए, किसके लिए संबंधित होना चाहिए? तो प्यारे दोस्तों, राइट आंसर है गोल्फ। क्वेश्चन नंबर 7, ऑफ साइड संबंध शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑफ साइड, तो दोस्तों ऑफ साइड, इन चारों में से बताना आपको ऑफ साइड, तो प्यारे दोस्तों वो है फुटबॉल। अगर फुटबॉल में कोई भी खिलाड़ी बिना बॉल को लिए आगे चला जाता है तो उसे ऑफ साइड बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, शॉर्ट कॉर्नर शब्द का संबंध किस खेल से है? शॉर्ट कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर भी बोल देते हैं शॉर्ट कॉर्नर, तो दोस्तों बताइए शॉर्ट कॉर्नर हॉकी। क्वेश्चन नंबर 9, स्कार्फ शब्द का संबंध किस खेल से है? स्कार्फ, स्कार्फ किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों स्कार्फ है जूडो। क्वेश्चन नंबर 10, क्यू शब्द का संबंध किस खेल से है? क्यू, क्यू किस में होता है? क्यू, तो दोस्तों क्यू है बिलियर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 11, नॉकआउट किस खेल से संबंधित है? नॉकआउट किस में होता है? नॉकआउट, धराशायी कर देते हैं सामने वाले को, नॉकआउट, तो दोस्तों नॉकआउट होता है बॉक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 12, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन, आयरन का जो यूज है वो किस खेल में होता है? तो बताइए, तो आयरन का यूज होता है गोल्फ में। क्वेश्चन नंबर 13, नो बॉल किस खेल से संबंधित है? नो बॉल, ये वेरी सिंपल आपको पता ही होगा, तो नो बॉल का संबंध है क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रैकल किस खेल से संबंधित है? ट्रैकल, ट्रैकल, तो दोस्तों बताइए ट्रैकल, ट्रैकल है रग्बी से। क्वेश्चन नंबर 15, कैनन किस खेल से संबंधित है? कैनन, दोबारा सुन लीजिए कैनन, तो कैनन का संबंध है बिलियर्ड से। क्वेश्चन नंबर 16, टोबो गैनिंग किस खेल से संबंधित है? टोबो गैनिंग, चार ऑप्शन आपके सामने है टोबो गैनिंग, तो दोस्तों टोबो गैनिंग है स्कीइंग। अच्छा, जितने आपके क्वेश्चन ठीक हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर मेरे इतने क्वेश्चन ठीक है, जिसकी 15 के आसपास ठीक है इसका मतलब उसकी तैयारी बिल्कुल अच्छी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टीपल चेज किस खेल से संबंधित है? स्टीपल चेज, ये क्वेश्चन बहुत बार आया कॉम्पिटिटिव में, स्टीपल चेज, तो बताइए, चार ऑप्शन फिर से आपके सामने हैं, तो स्टीपल चेज का संबंध है घुड़दौड़ से। क्वेश्चन नंबर 18, थर्ड मैन किस खेल से संबंधित है? थर्ड मैन, बताइए, चार ऑप्शन फिर आपके सामने है थर्ड मैन, तो थर्ड मैन का संबंध है क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 19, हाफ नेल्सन किस खेल से संबंधित है? हाफ नेल्सन, दोस्तों बताओ हाफ नेल्सन, तो हाफ नेल्सन का संबंध है कुश्ती से। क्वेश्चन नंबर 20, डबलिंग किस खेल से संबंधित है? डबलिंग, डबलिंग का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है वॉलीबॉल।
तो अब आपकी बारी है शेयर करने की। ये थे टॉप 20 क्वेश्चंस। अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। शुभ रात्रि।